सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम दो ऐसी क्रूज मिसाइल्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं जिनमें से एक मिसाइल ऑलरेडी भारत के पास मौजूद है और जबकि दूसरी मिसाइल जल्द ही भारत को मिलेगी। और इन दोनों मिसाइल्स के कंपैरिजन को लेकर हमें आपकी तरफ से भी क्वेरीज देखने को मिली हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और रशिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर MBDA द्वारा विकसित की गई स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों क्रूज मिसाइल्स एक दूसरे से कितनी अलग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो वैसे तो ये दोनों ही क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन जो स्कैल्प है वो एक सबसोनिक रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 0.8 से लेकर Mach 0.95 यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। और वहीं इसकी तुलना में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार Mach 4 यानी कि 4900 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। जो स्कैल्प है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, जिसे खास तौर पर दुश्मन के बंकर्स, रनवेज और कमांड एंड कंट्रोल साइट जैसे टारगेट्स यानी कि जो जमीन पर मौजूद फिक्स टारगेट हैं और वे अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, उन्हें हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वहीं इसके तुलना में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल है जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म, हवा, पानी, जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे फिक्स या फिर मूविंग किसी भी तरह के टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि स्कैल्प मिसाइल एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसीलिए इसके कोई और अन्य वेरिएंट्स नहीं है। हालांकि MBDA ने स्कैल्प मिसाइल के बूस्टर का इस्तेमाल करके एक नेवल क्रूज मिसाइल को भी विकसित किया है जो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 1000 किलोमीटर तक की इफेक्टिव फायरिंग रेंज के साथ आती है। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि सरफेस टू सरफेस वेरिएंट, सबमरीन लॉन्च वेरिएंट और एयर लॉन्च वेरिएंट। साइज के मामले में ब्रह्मोस मिसाइल स्कैल्प मिसाइल की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई 8.4 मीटर और डायामीटर 0.6 मीटर है, जबकि स्कैल्प मिसाइल की लंबाई 5.1 मीटर और डायामीटर 0.48 मीटर है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वर्जन है उसका मास 2500 किलोग्राम है और दूसरे वाले का 3000 किलोग्राम, और जबकि स्कैल्प मिसाइल का मास केवल 1300 किलोग्राम है। लेकिन ब्रह्मोस की तुलना में स्कैल्प ज्यादा वॉरहेड को कैरी कर सकती है, क्योंकि इसके वॉरहेड को कैरी करने की कैपेसिटी है 450 किलोग्राम और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल वॉरहेड और 300 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ही कैरी कर सकती है। और जबकि स्कैल्प में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर बात करें रेंज की तो स्कैल्प मिसाइल 30 से 40 मीटर तक के अधिकतम एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए 560 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन 400 किलोमीटर तक और जबकि इसका सरफेस और सी प्लेटफॉर्म वाला वेरिएंट 500 किलोमीटर तक जा सकता है और इस रेंज को 600 किलोमीटर तक अपग्रेड भी किया जा सकता है और इसके 800 किलोमीटर तक की रेंज वाले वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। पर आपको बता दें कि किसी भी मिसाइल की रेंज जो पब्लिक में बताई जाती है वो उसकी एक्चुअल रेंज नहीं होती है, और इस केस में भी जो स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज हमने आपको बताई है वो केवल पब्लिक में बताई गई रेंज है, बाकी इनकी एक्चुअल रेंज काफी अलग हो सकती है जिन्हें क्लासिफाइड रखा गया है। किसी भी क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी में उसका गाइडेंस सिस्टम बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर बात करें स्कैल्प की तो स्कैल्प में टॉम हॉक मिसाइल की तरह ही गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें इनर्शियल, GPS और टेरप्रॉम नाम के गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल हुए हैं जो कि टेरेन मैचिंग जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के पास टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसा गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल कई अलग अलग तरह के इनोवेटिव मल्टी GPS गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकती है, और इसी वजह से ब्रह्मोस स्कैल्प की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट है। स्कैल्प मिसाइल की एक खास बात ये भी है कि ये एक लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल में इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए जाने वाली बात कभी भी सामने नहीं आई है, पर चूंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल है तो इसीलिए इसे भी इंटरसेप्ट कर पाना आसान नहीं है। बाकी हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो स्कैल्प मिसाइल है वो एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है जिसे 6 से भी ज्यादा देश ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इटली, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, और अगले साल से भारत भी इसके यूजर में शामिल हो जाएगा। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल को फिलहाल अभी तक किसी कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके प्राइमरी यूजर्स में फिलहाल भारत और रशिया ही शामिल हैं, लेकिन अब भारत की तरफ से इस मिसाइल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की प्रोसेस को भी शुरू कर दिया गया है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।